जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत 2 महीने से ज़्यादा हो गया और इसमें थोड़ा बाहर चला गया था फॉरेन, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अभी आपके लिए कंटिन्यू वीडियो आएगी, प्लीज़ इसी प्रकार से आप सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये अंडमान निकोबार में जो नेवी की भर्ती निकली थी अंडमान में, उसका क्या है सर, उसका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, क्या कुछ है उसका, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में बता दूँ आपको कि ये हेडक्वार्टर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी अंडमान हेडक्वार्टर की तरफ से, और जिसके फॉर्म भराम आ गए थे आपके 2023 में, ठीक है। आज उसको 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक ना ही इसके एडमिट कार्ड का पता चला है बच्चों को और ना ही कोई इस एग्ज़ाम डेट फिक्स हुई है दोस्तों, ठीक है। तो इसको लेके मेरे पास क्या अपडेट है, वो पूरा अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। ये विज्ञप्ति आप सबको पता है, विज्ञप्ति निकाली थी, ये 362 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात, इसके बैकग्राउंड में मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं, ज़्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, मैं बेसिकली अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलता हूँ कि उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका क्या कुछ नोटिस डाला है या नहीं डाला है, या हम क्या कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि हमें इस विज्ञप्ति के बारे में पूरा पता चल जाए दोस्तों, कि आम हमारा आगे आने वाला स्टेप कब और क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों, यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। आप कभी भी सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर यही मिलेगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही खोलेंगे, आप खोल सकते हैं इसको हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड, या आप सीधा डाल सकते हैं नेवी अंडमान निकोबार एडमिट कार्ड या नेवी अंडमान निकोबार वैकेंसी, कुछ भी डाल देंगे तो भी आपको गूगल इसी वेबसाइट पर लाके पहुंचा देगा। ये वेबसाइट पर देखो रिक्रूटमेंट का नाम दे रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ट्रेडमैन मैट हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड पोर्ट प्लेयर, ठीक है। उसमें ये वैकेंसी का नोटिस है जो मैंने अभी बताया था, वही नोटिस इसमें डाउनलोड होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये कब अप्लाई हुए, स्टार्टिंग डेट भी दे रखी है उसने कि 26 अगस्त 2023 से 27 सितंबर 2023 तक इसके फॉर्म भराम आए थे, लगभग 1 महीने तक दोस्तों, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका हमें एडमिट कार्ड आएगा तो कैसे पता चलेगा, कहाँ पता चलेगा, वो बात सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसको समझने के लिए आपको करना क्या है कि आपको कोई भी नोटिस आएगा तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, इसी वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा दोस्तों। और दूसरा कैसे पता चल सकता है, अगर इस वेबसाइट पर आपने विजिट नहीं किया तो कैसे पता चल सकता है, उसके लिए दोस्तों आप सीधा सिंपल इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट डालेंगे, उसकी वेबसाइट पर भी जाके आपको पता चल जाए। बाकी जैसे ही इसका अपडेट आएगा मैं सबसे पहले अपडेट दूंगा। अब बच्चों करना क्या है, आपको ये जो मेल आईडी दी हुई है, इस मेल आईडी पर आपको करना क्या है, मेल करना है, ठीक है। hqenc@navy.gov.in इस पर आपको मेल करना है, और मेल करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कब तक आपका एडमिट कार्ड आने वाले हैं, अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो इस मेल पर आप मेल करके भी इसका पता लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अभी मेरे का अनुमान है, क्योंकि एक जो वैकेंसी निकली थी हमारी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की, उन वैकेंसी का रिजल्ट आंसर की उन्होंने जारी कर दी है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हो सकता है इस पर वर्क करें, लेकिन उसका इफेक्ट इस पर पड़ने वाला इतना है नहीं, क्योंकि ये वो पूरी इंडियन नेवी की वैकेंसी है, ये ओनली कमांड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई, तो कमांड इसका एग्जाम कराएगा, कमांड ही इसका अगला स्टेप देखेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही इसके थ्रू कोई नोटिस आता है मैं सेम टाइम आपको सबसे पहले बता दूंगा। अभी आपने इतना इंतज़ार किया तो प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।